ओके सो मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग को एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज वाला बॉडी पसंद है, यानी कि आपको एक श्रेडेड बॉडी पसंद है। बट हाँ, अगर ये मैं आपसे बोलूँ कि एज ए टीनेजर ये आपके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। सो आज के इस वीडियो को पूरा देखो और मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि क्यों नहीं मैं आखिरकार एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में रखता हूँ, एंड एज ए टीनेजर मैं आप सभी को भी क्यों ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि लोअर बॉडी फैट परसेंटेज मत रखो, यानी कि एक श्रेडेड बॉडी मत रखो। एंड हाँ, आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको अपने फिटनेस जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। एज ए टीनेजर ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी एक टीनेजर और आपको भी बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी टीनेजर्स का इसी तरह से हेल्प करते रहता हूं। सो दोस्तों, ये सारे बात हमारे स्टार्ट होते हैं बल्क एट होम सीरीज से। उसके एपिसोड नंबर 1 में मैंने आप सभी को बताया कि मैं अपना बल्क स्टार्ट कर रहा हूं, एंड उस वीडियो के नीचे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी अच्छे कमेंट मिले। लेकिन उसमें से एक कमेंट था जो कि था, बल्क छोड़कर श्रेडेड बॉडी बनाओ भाई। देखो ना, ये मेरा हेटर था, इसने मुझे एक सही राय दिया कि भाई श्रेडेड बॉडी के पीछे सब लोग पड़ते हैं। एंड आई नो कि आप में से काफी सारे लोग को भी श्रेडेड बॉडी ही बनाना है। देखो दोस्तों, श्रेडेड बॉडी दिखने में तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन दोस्तों इसके काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे कि आप मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा चैलेंज होते हो। मैं जानता हूँ कि आप अपने काफी सारे आइडल से इंस्पायर्ड होकर के आप जो एक श्रेडेड बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों एज ए टीनेजर श्रेडेड बॉडी बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको टॉप 4 साइड इफेक्ट बता देता हूँ कि अगर आप एक श्रेडेड बॉडी रखते हो तो आपको क्या क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंड आई नो, अगर आप समझदार होगे तो आप आज से ही श्रेडेड बॉडी के पीछे नहीं भागोगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट, लैक ऑफ एनर्जी। देखो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये बात तो जरूर से ही जानते होंगे कि श्रेडेड बॉडी बनाने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, आपको बहुत ही कम खाना होता है। एंड ये बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी हमारे फूड के द्वारा आती है, लेकिन हम लोग एक श्रेडेड बॉडी बनाने के चक्कर में हम लोग बहुत ही कम हम लोग कैलोरी हम लोग इंटेक करते हैं, जिसके कारण आप दिन भर आप थकावट आप फील करते हो, आपके अंदर बिल्कुल ही जान नहीं होता है और आप बहुत ही ज्यादा वीक फील करते हो। क्योंकि जो भी लोग श्रेडेड बॉडी बनाते हैं, वो लोग एक कैलोरी डेफिसिट में रह करके वो लोग वर्कआउट भी करते हैं, जिसके कारण वो लोग एक नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं और उनकी बॉडी दिन पे दिन और वीक होते जाती है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको श्रेडेड बॉडी ही बनाना आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं टीनेजर्स को मैं गाइड कर रहा हूँ कि क्यों आपको नहीं श्रेडेड बॉडी बनाना चाहिए। एंड हाँ, मैं लास्टली ये भी बताऊंगा कि किन लोग को श्रेडेड बॉडी के पीछे भी भागना चाहिए। सो गाइस, ये हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, लैक ऑफ एनर्जी। दोस्तों, दूसरा साइड इफेक्ट जो कि हम टीनेजर्स के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, मोर क्रेविंग। देखो यार, यहाँ पे मोर क्रेविंग यानी कि आपको बाहर का चीज आपको और भी ज्यादा आपको खाने का मन करेगा, यानी कि आपको दोस्तों फास्ट फूड खाने का आपको बहुत ज्यादा ही मन करेगा, आपको चाउमिन खाने का मन करेगा, आपको मोमोज खाने का मन करेगा। एंड मैं आप सभी को मैं सच्चाई बता देता हूँ कि मैं वीक में 1 से 2 बार में चीट जरूर से ही करता हूँ, मुझे जो भी मन करता है मैं जरूर से ही खाता हूँ। बट अगर आप टीन एज में अगर आप एक श्रेडेड बॉडी बनाते हो तो यार आपको जो 0 फास्ट फूड आपको खाना होता है, यानी कि दोस्तों आपका पूरा महीना आपका 0 चीट डे होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। आई नो कि आप लोग हार्ड से हार्ड आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, आप लोग कोई भी स्ट्रेस को यार आप लोग झेल सकते हो, लेकिन जहां आपके सामने आपका मनपसंद आपका फूड रखा हुआ और वो अगर आप नहीं खा सकते हो तो वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको हर्ट करता है। सो गाइस, ये हमारा दूसरा साइड इफेक्ट, मोर क्रेविंग। दोस्तों, तीसरा साइड इफेक्ट, योर मसल बिकम वीकर डे बाय डे। देखो, मैं आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक श्रेडेड बॉडी बनाते हो या फिर आप एक श्रेडेड बॉडी आप रखते हो तो आप पक्का 25 से 30 मिनट से आप जो है दोस्तों ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते हो। हाँ, जो लोग इससे ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं उनकी तो दोस्तों कभी भी मसल बिल्ड नहीं होगी। देखो, मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक श्रेडेड बॉडी बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप जो वर्कआउट बहुत ही कम आप कर पाओगे, क्योंकि श्रेडेड बॉडी बनाने में एक तो आपका दोस्तों कैलोरीज बहुत ही कम होता है, इतने कम कैलोरी इनटेक के बाद आपका उठना बैठना चलना घूमना सारी चीज में दोस्तों वो कैलोरी जो यूज होने लग जाता है, जिसके कारण आपके बॉडी में काफी कम एनर्जी बचता है वर्कआउट करने के लिए। लेकिन तो भी अगर आप जिम जाते हो वर्कआउट करने तो यार आप जो 25 से 30 मिनट से ज्यादा आप जो है वर्कआउट नहीं कर सकते हो। हाँ, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंट कैसा है वर्कआउट के टाइम में, लेकिन हाँ ज्यादातर केस में यही होगा कि आप बहुत ही कम आप जो है वर्कआउट कर पाओगे, जिसके कारण आपका मसल जो है धीरे धीरे वीक होते जाएगा। हाँ, आप में से काफी सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि भाई अगर मैं प्रोटीन अगर 2 गुना 3 गुना अगर लूं तब क्या होगा? तब मेरे भाई आपका जो मसल धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। लेकिन हाँ, आपका वीक फील होना ये कभी भी बंद नहीं होगा, आप हमेशा ही वीक फील करोगे, चाहे आप 4 गुना प्रोटीन ले लो चाहे आप 5 गुना प्रोटीन ले लो, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी ओवरऑल कैलोरी से ही आता है। सो गाइस, ये था हमारा तीसरा साइड इफेक्ट, योर मसल बिकम वीकर डे बाय डे। दोस्तों, चौथा साइड इफेक्ट, यू वेयर ऑलवेज इन बैड मूड। देखो मेरे भाई, अगर आप एक श्रेडेड बॉडी बनाना चाहते हो तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप हर टाइम, जी हाँ दोस्तों, आप हर टाइम
आप जो चिड़चिड़ा आप जो फील करोगे एंड हाँ आपका बैड मूड होगा भी क्यों नहीं। आप दिन भर में बहुत ही कम खा रहे हो, आप प्लस वर्कआउट भी कर रहे हो, प्लस आप अपना फेवरेट फास्ट फूड भी आप नहीं खा सकते हो, सो आप हमेशा ही गुस्से वाले मूड में रहोगे। सो मेरे भाई ऐसा फिटनेस का क्या मतलब हुआ। एंड एज अ टीनेजर अगर आपका दोस्तों का दिन भर अगर मूड ऑफ है तो ना ही आप दोस्तों स्टडी पे आप ध्यान दे पाओगे, ना ही आप अपने कोचिंग, ना ही अपने स्कूल, और आपके टीचर्स भी आपसे गुस्सा रहेंगे कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, इसे बाहर निकालो। सो गाइस ये है कुछ साइड इफेक्ट जो कि दोस्तों एज ए टीनेजर आपको दोस्तों श्रेडेड बॉडी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों श्रेडेड बॉडी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, लेकिन वहीं पे आप दिन भर दोस्तों खुद से ही टॉर्चर होते रहोगे। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शर्टलेस ही आप अच्छे दिखोगे, आप टी शर्ट और शर्ट में बहुत ही बेकार दिखोगे। सो गाइस अब बात करते हैं कि किन लोग को श्रेडेड बॉडी बनाना चाहिए, एंड माई आंसर इज कोई भी नहीं। देखो अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ओवरवेट हूं तब मैं क्या करूं, तो ब्रो आपको जो है अपने बॉडी फैट को कम करना है धीरे धीरे, आपको श्रेडेड बॉडी आपको नहीं बनाना है। सो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आप या कुछ नया आप सीखे होंगे। एंड दोस्तों अब काफी सारे लोग को जो ये हो गया होगा कि अब मुझे अब बल्क भी करना है। तो मेरे भाई अभी मेरा सीरीज भी चल रहा है बल्क एट होम, मैं खुद ही मैं बल्क कर रहा हूं। तो आपको ये राइट साइड में आपको दोस्तों प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, ये मेरा बल्क एट होम वाला दोस्तों सीरीज आप जो सिंपली देख सकते हो, या फिर अगर आपको दोस्तों को घर पे बॉडी बनाना है तो दोस्तों आप मेरे लेफ्ट वाले आप जो दोस्तों प्लेलिस्ट को देख सकते हो। सॉरी गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।